साहस का पर्याय है धनु राशि। इनके लिए आर्थिक संपन्नता कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, इनके लिए मान सम्मान युक्त जीवन ही सर्वोपरि होता है। फिर भी आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसे जातक और जातिका जिनका जन्म धनु राशि अथवा धनु लग्न में हुआ है, इनके लिए स्वतः ही धन के मार्ग जो है इनके देव गुरु बृहस्पति ने खोल रखा है और धन के डिपार्टमेंट का कार्यभार सौंप रखा है शनिदेव को। शनिदेव इस धनु राशि में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय कहा जाता है, जो धन के स्वामी होते हैं। इस हिसाब से शनिदेव धन के स्वामी हुए। अब ये शनिदेव जब जब ट्रांजिट में जहां जहां जाएंगे, जिस जिस भाव पर जाएंगे, उस भाव के अनुसार हमारे जीवन में पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे। संपत्ति का एक बड़ा प्रारूप हमको देखने को मिल सकता है इस शनि के ट्रांजिट के द्वारा। आप सबको इस बात की जानकारी अवश्य ही है कि 17 जनवरी से शनिदेव अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पधार चुके हैं। अब यहीं पर ये आए तो हैं, लेकिन जो ही ये आप आए थे, तुरंत ही ये 30 जनवरी से अस्त अवस्था में चले गए हैं और 6 मार्च तक अस्त अवस्था में रहेंगे। अस्त अवस्था अर्थात जब शनि अस्त हो जाए तो उनकी डिग्रियां बहुत सूर्य के नजदीक आ जाती हैं, जिसके कारण शनि अपने अच्छे और बुरे प्रभाव को नहीं दे पाता, अर्थात शून्य अवस्था में हो जाता है। तो जब शनि यहां पर धनेश होकर के शून्य अवस्था में हो गए, या यूं मान लें 0 वाट के बल्ब के बराबर हो गए, तो आर्थिक दृष्टिकोण से इसे बहुत अनुकूल, बहुत शुभ नहीं माना जाएगा। इस 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक का जो समय रहेगा, वो आर्थिक लेन देन, आर्थिक लेखा जोखा वो यथावत जैसा का तैसा बना रहेगा, ऐसा आप मान सकते हैं। कुटुंब भाव पर से अगले भाव पर, धन भाव पर, पराक्रम भाव पर अस्त हो रहे हैं। इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि आपके साहस में कुछ न्यूनता आ सकती है। हाँ, ये जरूर है कि जो बहुत दिन पहले से जो आप योजना बना रहे थे, जिसको क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे, वो क्रियान्वित करने का अवसर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि तीसरे भाव पर अस्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर शनि अस्त हुए, अब 6 मार्च, ये तो 6 मार्च तक है, अब 6 मार्च के बाद ये पुनः फिर से जो है वो उदय हो जाएंगे और उदय होने के साथ ही ये तीसरे भाव पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे। तो तीसरे भाव से संबंधित आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तीसरा भाव कहेगा आपके पराक्रम का, आपके साहस का, बढ़ा देंगे शनिदेव आपके पराक्रम। आप यदि कोई रिस्क लेते हैं इस टाइम पर, इस शनि के ट्रांजिट पर, इस सन 2023 में, तो आपके रिस्क की आपको रिटर्न भी बहुत अच्छी आनी है। कहा गया है कि जो रिस्क लेता है उसे ही सब कुछ जीवन में प्राप्त होता है, तो यह रिस्क लेने का समय है, तभी आपके जीवन में यह अच्छा सुअवसर शनि देवता के द्वारा आपको प्राप्त होगा। अब शनि की दृष्टि की बात करते हैं, तो कुंभ राशि, माफ कीजिएगा, धनु राशि के धनेश जो है वह कुंभ राशि में है। अब कुंभ राशि से तीसरी दृष्टि अगर देखते हैं तो आपके पंचम भाव पर आता है। पंचम भाव कहेगा, पंचम भाव आपके निवेश का, आपके संतान का, आपके लव रोमांस का। शनि की दृष्टि यदि यहाँ जाए तो आपके धन के देवता गए हैं, आपको प्रेम में धन खर्च करना पड़ेगा। आपके जिनसे आप प्रेम करते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन जिनसे आप प्रेम करें उन पर खर्च कराएगा शनि, और क्योंकि निज दृष्टि है। और यहीं पर शनि कोई बड़ा निवेश करा सकते हैं, निवेश के कारण धन खर्च करा सकते हैं। हो सकता है आप कोई ज्वेलरी वगैरह ले लें, कोई संपत्ति क्रय कर लें जिस पर निवेश हो, या शेयर मार्केट, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट का भी होता है, इसलिए शेयर मार्केट में भी धन की जो है जाने की यहाँ पर संभावना अधिक बनती है। अब यहाँ पर शनि का प्रभाव अगर देखते हैं तो शनि यहाँ से तीसरे दृष्टि पर ही, यदि आप एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, यदि आप शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, तो यही वह समय होगा जब शिक्षा में भी आपको धन खर्चना पड़ेगा। शनि की अगली, यहाँ से आपका धनेश जो शनि है, क्योंकि देखिए पूरे वर्ष भर रहने वाले हैं, इसलिए आपको शनि के प्रभाव को ही जानना पड़ेगा, क्योंकि शनि ही आपके जीवन में आपके धनेश हुए। यहाँ से सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, तो भाग्य भाव में पड़ेगी। भाग्य पर शनि का प्रभाव आना बहुत सुखद और शुभ रहेगा। हालांकि इस भाव पर शनि की शत्रु राशि पर दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि, सूर्य पर दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, जो उतना अच्छा तो नहीं होगा, परंतु भाग्योन्नति के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा हो गया। इस समय पर आप देखेंगे पिता पुत्र के बीच भी कोई वैचारिक वैमनस्य बन सकता है, लेकिन ओवरऑल जो बात निकल के सामने आएगी उसमें आपको पिता से आर्थिक सहयोग जरूर प्राप्त होगा। नवम भाव पिता का होता है। यदि उच्चाधिकारियों से आपके कोई संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो वह संबंध अच्छे बनने का योग यहां पर शनिदेव बना देंगे, और जब संबंध अच्छे रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको वहां से धन की वृद्धि होगी। तो धन का सोर्स पिता के द्वारा
द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा, हायर लर्निंग के द्वारा, यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि नवम भाव उच्च शिक्षा के द्वारा भी आपको धन अर्जित कराएगा। आप जिस फील्ड में भी हो, उस फील्ड में आप ज्यादा गहन अध्ययन करें, पढ़ाई करें, उसका लर्निंग लें, तो आप निश्चय ही ज्यादा जो है धन प्राप्त कर सकते हैं। ये उच्च शिक्षा में भी खर्च होगा, ऐसा यहाँ पर ज्ञात होता है। शनि की एक दृष्टि अब यहां से सातवीं दृष्टि हो गई, और आठवीं, नौवीं, दसवीं, बारहवें घर पे शनि की दृष्टि। बारहवां भाव कहे का, तो बारहवां भाव हमारे निवेश का, हमारे चिकित्सालय का, हमारे खर्चे का, हमारे हानि का। लेकिन भाई यदि हम अपने धन का निवेश कर दें तो शनिदेव फिर बाकी अन्य मामलों पर हमें खर्चे से रोक देंगे, तो इसलिए शनि का यह ट्रांजिट बहुत अनुकूल हो गया। अब इसी बीच में 17 जून 2023 से लेकर के 17 नवंबर 2023 तक शनिदेव पुनः वक्री हो जाएंगे। अब वक्री हो जाएंगे तो वो कोई ग्रह जब वक्री हो जाए तो अपने एक घर पिछले का रिजल्ट देता है। तो इस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से जो सबसे ज्यादा सटीकता का जो समय होगा मेरे हिसाब से वह 17 जून से 4 ग्यारह 2023 का समय होगा, जो धनु राशि के जातकों के लिए आर्थिक संपन्नता को बढ़ा देने वाला होगा। अब बात करते हैं राहु की, राहु की स्थिति क्या रहने वाली है। तो राहु आपके पंचम भाव पर गोचर कर रहे हैं, ये रहेंगे 30 अक्टूबर तक। पंचम भाव आपके इच्छाओं का, राहु चूंकि धनु लगन की कुंडली में या धनु राशि के चक्र में राहु जो है कोई योग कारक नहीं है और अपने शत्रु के राशि में भी है, इसलिए संतान संबंधी चिंता दे सकता है, मानसिक अशांति दे सकता है, और मानसिक अशांति पर आपको धन खर्च ना करना पड़ सकता है। सोचे हुए आपके धन जो है समय पर मिलने में आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ये बात का ध्यान रखेंगे। केतु ऑलरेडी आपके सप्तम भाव पर चल रहे हैं, मतलब पंचम से सप्तम पर चल रहे हैं, लाभ भाव पर केतु चल रहे हैं, लिहाजा केतु यदि शुक्र की राशि पर हो तो लाभ के अनेक मार्ग को देने वाले होते हैं। यह साल आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्नता लेकर के ही आ रहा है। इन पूरे कुंडली के चक्र पर यदि ध्यान दें तो मुख्य बात यही से निकल कर सामने आती है कि ओवरऑल जो पूरा सन 2023 रहेगा वह धनु राशि के लिए आर्थिक संपन्नता को लेकर के आएगा। परंतु जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है अपने पावर, अपने कैपेसिटी और अपने रिस्क लेने की क्षमता पर, क्योंकि जितना आप रिस्क लेंगे उतना ही आपको सफलता प्राप्त होगा, ऐसा शनिदेव ने आपके लिए कमिटमेंट किया है। और शनि का ही कमिटमेंट क्यों, क्योंकि शनि ही आपके धन भाव के स्वामी बने हैं। तो भाई जब धन भाव के स्वामी का कोई कमिटमेंट हो तो उसे पूरा करने का उत्तरदायित्व भी उनका होता है। इस शनि की ड्यूटी के लिए हमने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसमें प्रत्येक राशियों पर शनि ने कौन कौन सी ड्यूटियां दी हैं और उस ड्यूटियों का निर्वहन करके हम किस प्रकार से संपन्नता और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हैं। आप सबका या धनु राशि के सभी जातकों का आर्थिक स्थिति बहुत ही संपन्न और सुरक्षित रहे। अब ये जानना चाहेंगे कि ये सुरक्षित तो रहे परंतु ऐसा उपाय कौन सा करें भाई कि जिस उपाय से हम सन 2023 में ज्यादा आर्थिक संपन्न हो सकते हैं। तो इस समय पर आपके धन भाव का स्वामी शनिदेव हुआ, अब शनि के उपाय से आपको आर्थिक संपन्नता आ जाएगी। तो अब धनु राशि के जातकों के लिए शनि कोई योग कारक ग्रह नहीं हुआ, फिर भी धन का डिपार्टमेंट तो है ना इनके पास। तो शनि के लिए कहा गया है कि प्रत्येक शनिवार को जो शनि मांगने आए, जो शनि दान होता है, ये शनि दान आपको करते रहना है। इससे निश्चय मानिए कि आपकी आर्थिक संपन्नता जो है वो मजबूत हो जाएगी और आपको शनिदेव की कृपा से और आपके लग्नेश गुरु की कृपा से आपको सफलता मिलेगी। और गुरु भी वैसे भी आपके चतुर्थ भाव पर ही गोचर कर रहे हैं जो कि अभी 21 अप्रैल तक रहेंगे। चतुर्थ का गुरु भी सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला ही होगा। 21 अप्रैल के बाद ये जब पंचम में आएंगे तो पुनः आपके इच्छित कार्य जो है वो पूर्ण होंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सबका यह सन 2023 आर्थिक संपन्नता को लेकर आए, इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।